चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज, सच की खोज, सच का जोश। अयोध्या फैसले को लेकर जगह जगह किया पुलिस ने फ्लैग मार्च। श्री अशोक कुमार, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अयोध्या मामले पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले संभावित फैसले के दृष्टिगत प्रदेशवासियों से अपील की है कि आने वाले फैसले को जीत हार के साथ जोड़कर न देखा जाए, फैसले का सम्मान करें व सौहार्द की भावना बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं व शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश के अमन चैन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, साथ ही आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। केटी लाइव न्यूज के लिए जनपद हरिद्वार से ब्रह्मानंद चौधरी की रिपोर्ट। आज अयोध्या पर सर्वोच्च न्यायालय के का निर्णय आने का समय है। ऐसे में मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे शांति व्यवस्था भंग हो, किसी तरह की अफवाह न फैलाएं, आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। मैं उत्तराखंड वासियों को ये एश्योर करता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस पूर्ण निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से काम करेगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शांति भंग करता है उसको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील करते हुए सभी लोग सभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि सभी भाईचारा बना के रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं करेंगे। यदि कोई कमेंट्स वगैरह फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अन्य किसी पर आता है तो उस पर हमारी सीधी नज़र है, उसमें सरकार के तहत हम लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।